हाय गाइस, फाइनली आज आ चुका है संडे। और आज के इस संडे के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन के बारे में, जो कि हमें इस 2021 के जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के महीने के अंदर मिलने वाले हैं। इस 3 महीने के अंदर जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले उनके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। और ये वीडियो सिंपली से 3 भाग में होने वाली है। पहले हम लोग जुलाई मंथ के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अगस्त एंड फिर सितंबर। और सिंपली से मैं आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू टाइम लैप्स भी दे दूंगा। अगर आपको जुलाई मंथ के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है तो टाइम लैप्स के थ्रू आप लोग जुलाई मंथ में डायरेक्टली जा सकते हो, अगस्त मंथ में जा सकते हो एंड सितंबर मंथ में जा सकते हो। तो बिल्कुल भी मैंने सिंपल कर दिया है। अब चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इस वीडियो के अंदर अगेन 500 लाइक का टारगेट रखा है। मुझे पता है मेरी प्यारी सी फैमिली इस लाइक टारगेट को भी कंप्लीट कर सकती है। फटाफट से लाइक करो और चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस जुलाई मंथ के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। तो इस जुलाई मंथ में 2 स्मार्टफोन को लेकर ऑफिशियली लॉन्चेस कन्फर्म कर दी गई है, जिनमें से पहला स्मार्टफोन होगा OnePlus Nord 2। ये स्मार्टफोन 22 जुलाई को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि ये स्मार्टफोन 6.43 इंचेस की एक फुल HD+ के साथ फिल्यूड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मोनो सेंसर। यहीं पे फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की लेफ्ट पंच होल कोडॉट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आने वाला है, जहां पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन डायमेंसिटी 1200 के AI चिपसेट के साथ आने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ OnePlus Nord 2 इंडिया के अंदर 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। बाकी अगले स्मार्टफोन की बात करें तो वो होगा पोको की तरफ से, पोको F3 GT, जिसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे यूज़र एक्साइटेड है। तो ये स्मार्टफोन की भी लॉन्चेस कंफर्म हो चुकी है कि 23 जुलाई को ऑफिशियली तरीके से ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी भी ऑलमोस्ट सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है कि ये स्मार्टफोन 6.67 इंचेस की एक फुल HD+ की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा एंड 480 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आने वाला है। बाकी रियर पे ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप होगा, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की टेली मैक्रो। यहीं पे फ्रंट पे हमें 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कोडॉट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी 5065 एमएएच की बैटरी के साथ आने वाला है, जहाँ पे 67 वाट की एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन डायमेंसिटी 1200 के एक 5G पावरफुल प्रोसेसर के साथ ही आने वाला है। इसके अलावा गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पे 2 ट्रिगर्स मिलने वाले, बैक पे 2 RGB लाइटिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा, एक डेडिकेटेड गेम स्पेस का भी सपोर्ट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। इसकी फुल डिटेल जानना चाहते हो तो वो भी मैंने वीडियो बनाकर रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही बढ़ते हम लोग अगस्त मंथ के लॉन्चेस की तरफ। तो अभी फिलहाल अगस्त मंथ में 2 ही स्मार्टफोन की लॉन्चेस की कंफर्मेशन आई है। वैसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, बट जिनकी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उनके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन जो होगा अगस्त मंथ के अंडर, वो भी हमें पोको की तरफ से देखने को मिलेगा, पोको X3 GT। पोको F3 GT तो भैया इस जुलाई के अंडर ही आने वाला है, लेकिन X3 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो हमें अगस्त के अंडर देखने को मिले। और ये स्मार्टफोन की भी ऑलमोस्ट सभी फीचर बाहर आ चुकी है, क्योंकि ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना के अंदर जा चुका है। तो रीब्रांडेड होकर इंडिया के अंदर पोको X3 GT के नेम के साथ आने वाला है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्मार्टफोन भी 6.67 इंचेस की फुल HD+ के साथ IPS LCD पैनल के साथ आने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी रियर पे भी ट्रिपल कैमरे के साथ ही आने वाला है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। साथ ही फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी हमें सेंटर पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आने वाला है, जहाँ पे 67 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। यहीं पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन डायमेंसिटी 1200 के छोटे भाई के साथ आने वाला है, डायमेंसिटी 1100।
अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बहुत फीचर जो है वो पोको F3 GT की तरह ही सिमिलर होगा, बाकी परफॉर्मेंस एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर चेंजेस देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट होगा। तो ये कुछ फीचर के साथ पोको X3 GT स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि अगस्त मंथ के अंडर आने वाला है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले लॉन्चेस की तरफ, जो कि आई थिंक हमें रियलमी की तरफ से देखने को मिलने वाला है, रियलमी GT मास्टर सीरीज एंड रियलमी GT। बट GT के ऊपर तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, तो अभी हम लोग बात करने वाले रियलमी GT मास्टर एडिशन के बारे में। ये स्मार्टफोन को लेकर भी बताया जा रहा है कि अगस्त मंथ के अंडर ही आ सकता है, क्योंकि माधव सर जी की तरफ से ऑफिशियली टीजर्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो चुकी है और सभी कंफर्म फीचर भी बाहर आ चुकी है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 21 जुलाई को चेन्नई के अंदर जाने वाला है और नेक्स्ट मंथ बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर आने वाला है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्मार्टफोन 6.43 इंचेस की एक फुल HD+ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा एंड 360 हर्ट्ज़ के टच सैंपलिंग रेट के साथ आने वाला है। बाकी रियर पे भी ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर के साथ आने वाला है। यहीं पे फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की लेफ्ट पंच होल कोडर के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही 4500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जहाँ पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। यहीं पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के 5G पावरफुल लेटेस्ट चिपसेट के साथ आने वाला है। और इसके साथ बताया जा रहा है कि एक और एडिशन भी आने वाला है, जो कि होगा रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। अब ये एडिशन के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर बिल्कुल भी सिमिलर होंगे, सिर्फ डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड कैमरास को लेकर चेंजेस देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन के अंदर कर्व डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट होगा, बाकी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की चिपसेट के साथ आने वाला है, 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 16 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे, बाकी सभी स्पेसिफिकेशन जो है वो रियलमी GT मास्टर एडिशन के जरिए होगा। अब बढ़ते हम लोग सितंबर महीने के लॉन्चेस की तरफ, तो यहाँ पे ये महीने के अंदर भी दो स्मार्टफोन के लॉन्चेस हो सकते हैं। हालांकि कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आई है, लेकिन लीक्स वगैरह आ रहे हैं कि दो स्मार्टफोन सितंबर मंथ के अंदर आ सकते हैं, जिनमें से पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें से पहला सीरीज होगा रियलमी 9 सीरीज। ये सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन आएंगे, रियलमी 9 एंड रियलमी 9 प्रो, लेकिन अभी फिलहाल रियलमी 9 प्रो के फीचर्स को लेकर ही लीक्स वगैरह आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रियलमी 9 प्रो एक फुल HD+ की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ सकता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। और रियर पे बताया जा रहा है क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ आ सकता है, जिसकी प्राइमरी शूटर 108 मेगापिक्सल की हो सकती है। इसके अलावा एक वेरिएंट 256GB रैम रॉम वेरिएंट के साथ आ सकता है। तो ये कुछ अभी लीक्स आ रही थी रियलमी 9 प्रो को लेकर। इसके अलावा प्रोसेसर की एक्सपेक्टेशन की बात करें कि मेरे अकॉर्डिंग क्या प्रोसेसर के साथ आ सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग दो प्रोसेसर में से एक प्रोसेसर के साथ आ सकता है। पहला होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G एंड दूसरा हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G। ये दोनों में से किसी एक चिपसेट के साथ हमें रियलमी 9 प्रो देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे फीचर लीक्ड होकर बाहर आई थी एंड प्रोसेसर को मैंने खुद से एक्सपेक्टेड करके आपको बताया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले लॉन्चेस की तरफ, तो अगला लॉन्चेस को लेकर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है सितंबर के एंड एंड अक्टूबर की स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन की लॉन्चेस जा सकती है, वो होगा Redmi Note 11 सीरीज। यहाँ पे ये स्मार्टफोन को लेकर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि क्या कुछ फीचर के साथ आने वाला है, लेकिन रेंडर्स वगैरह लीक्स वगैरह बाहर आई है, बताया जा रहा है कुछ इस लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है एंड रियर पे 200 मेगापिक्सल की कैमरे का सेटअप होगा। अब ये फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं है, यहाँ पे जो रेंडर्स और लीक्स वगैरह आई है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ नहीं आ सकता है। मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल की सेटअप होगा प्रो वेरिएंट के अंदर एंड 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है, क्योंकि नोट 10 सीरीज 5G कनेक्टिविटी के साथ नहीं आया था, तो 11 सीरीज आई थिंक 5G कनेक्टिविटी के साथ हो। बाकी एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी आ सकता है, रिफ्रेश रेट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर नोट 11 को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आएगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन लॉन्चेस को लेकर बताया जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर महीने के अंदर रेडमी नोट 11 सीरीज की लॉन्चेस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ यहाँ पे अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे, जो कि हमें इस 2020 के जुलाई अगस्त एंड सितंबर महीने के अंदर देखने को मिलने वाला है।
जिनमें से कुछ स्मार्टफोन की लॉन्चेस कंफर्म हो चुकी है, जो मैंने आपको फर्स्ट पे बता दिया। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर और जो स्मार्टफोन थे उनकी ऑफिशियली लॉन्चेस को लेकर क्या कुछ होता है, कब तक कोई ऑफिशियली लॉन्च डेट वगैरह आती है, जब भी आएगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग इनमें से कौन से स्मार्टफोन के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी अगले फ्रेश वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।